हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो और ठंडी अभी आती जा रही है और ऐसे हमारे बहुत सारे प्लांट हैं जो ठंडी के टाइम ग्रोथ नहीं करते फ्लावरिंग नहीं करते और भी हमारे विंटर में क्या होता है ठंडी के वजह से प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है सनलाइट बहुत ही हल्की हो जाती है तो पौधों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आज एक ऐसा ही न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही आसान सी उपाय है और इससे प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेगा प्लांट की ओवरऑल हेल्थ बनी रहेगी प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन मिलता रहेगा प्लांट फ्लावरिंग करेगा फ्रूटिंग करेगा तो ये एक बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जो ठंडी के टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स ये बहुत पुराने ज़माने से खेती में या जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं वो ये इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए मिट्टी के लिए और ये मिट्टी में क्या होगा जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं इनको ये बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है इनकी क्वांटिटी ये बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा मिट्टी उपजाऊ बनेगी और मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे तो हमारे जो रूट है ये जो आ, इनका जो न्यूट्रिशन है बहुत जल्दी ले पाएंगे और इससे क्या होगा पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनना रहेगा तो पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए पौधों की ग्रोथ कंटिन्यू रखने के लिए ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस पोटेशियम और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं और इससे क्या होगा आप देख पा रहे हैं पौधों की पत्तियाँ कैसे लश्करीन है तो इस तरह के लश्कर पत्तियाँ बनी रहेंगी पौधों में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी क्योंकि न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्व करेगा मिट्टी से प्लांट वो न्यूट्रिशन पूरे प्लांट को मिलेगा प्लांट ओवरऑल हेल्दी बना रहेगा और ये बहुत ही एक आसान सा उपाय है जो सभी के घर में मिल भी जाती है और इसको आप ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव डेज़ के गैप में एक बार पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और अगर आपको यकीन नहीं होता फ्रेंड्स आप अपने किसी जैसे बीमार प्लांट है अनहेल्दी प्लांट है प्लांट की पत्तियाँ सही नहीं है प्लांट की ग्रोथ सही नहीं है तो उस तरह के प्लांट में आप पहले इस्तेमाल कीजिए तो आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा तो आपको लगेगा ये सही है और इसका इस्तेमाल पौधों में करना चाहिए तो ये जो टॉनिक है या फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल सारे साल भर यूज़ कर सकते हैं अपने पौधे है के ऊपर इसमें कोई बात नहीं है और अपने सारे ही प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं आपने किसी फोलियज प्लांट लगा रखा है तो उसमें भी ये दे सकते हैं किसी फ्रूटिंग प्लांट है फलदार प्लांट है या सब्जी का प्लांट है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी विंटर का टाइम है तो विंटर में जितने सारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी ये दे पाएंगे और ये क्या होगा विंटर में इनका जो ठंडी का असर है पौधों में नहीं आएगा तो ठंडी में क्या होता है हम अक्सर गुड़ लेकर आते हैं और गुड़ का इस्तेमाल अब घर में करते हैं सब लोग तो मैंने यहाँ पे 200 सौ पानी लिया है और एक टीस्पून गुड़ लिया है और ये जो गुड़ है ये आप पुराना गुड़ ले सकते हैं जो गुड़ पुराना हो चुका है कोई खा नहीं सकता वो गुड़ हम पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने सिर्फ़ एक टीस्पून ये 200 सौ पानी में लिया है लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे पौधों को नुकसान कर सकती है हम इसको अच्छे से डाइल्यूट करेंगे और ये डाइल्यूट करने से क्या होगा पौधों में कभी भी चीटियों को प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमने यहाँ पे एक लीटर पानी लिया है और 200 सौ इसमें डाइल्यूट कर लेना है तो जितने सारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें दीजिए गुलाब में भी दे सकते हैं गुड़हल में दे सकते हैं और जितने सारे डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं यानी जिनकी ग्रोथ अभी नहीं होगी उनको भी आप दे सकते हैं तो उनको देने से क्या होगा उनको जो डोरमेंसी पीरियड है वो धीरे धीरे आएगी और मिट्टी में जितना सारा माइक्रोब्स है वो एनहेंस होगा तो मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी और रूट को जो न्यूट्रिशन है वो मिलता जाएगा तो मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू